हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल से निकले मैसेजेस आपके लिए क्या है वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहें। सिचुएशन जो भी है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन या जो भी, लेकिन बात हो रही है लेकिन ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके दिल की बात क्या है, तो वो मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश कि आज के दिन वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। अच्छे से शफल करते हैं। आई हिड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। तो आपसे बहुत कुछ चीज़ छुपाई गई थी और अभी भी छुपा रहे हैं बहुत कुछ चीज़, जैसे अपनी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स, गलती भी शायद। तो वो चीज़ स्पेशली मुझे ना इमोशंस छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पहले तो एक वक्त था इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने आप को छुपाया, लेकिन ना क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में दिखाया नहीं, और अभी अपनी इमोशंस को छुपा रहे, अपनी गलतियों को छुपा रहे, ऐसी एनर्जी। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। आपसे दूर होकर या आपके रिश्ते में ये अलग होकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उसका एहसास उन्हें हो रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो सॉरी फील करें। सी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये मैसेज बार बार आ रहा है और ये मैसेज किसी के लिए है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, उस इंसान के लिए स्पेसिफिक है जो करना तो चाहता है मूव ऑन, आप लड़का या लड़की जो भी हो सकता है, बट मेल या फीमेल, बट आपके लिए ना जैसे कोई स्पेशली कह रहा है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, गिव सम टाइम वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई शो अप ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। मुझे लगता है कि कुछ स्टेटस, कुछ डीपीज, कुछ प्रोफाइल्स, कुछ तो चेंज किया है या किसी भी तरह से आपके ऊपर नज़र है और आपको ट्रिगर करना हो या आपको कुछ बताना हो, इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। जैसे इन्होंने गलती की या फिर किसी भी रीज़न से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपके काबिल बनना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि यस ये बदल चुके हैं, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। I want to impress you. Good. मैंने कहा ना कि जो शाम की रीडिंग थी उसमें था कि चेजिंग एनर्जी इनकी तरफ से अभी शुरू हो चुकी है कहीं ना कहीं से। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। गलती इनकी है, कुछ तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कंट्रोलिंग हो सकती है, या फिर इनकी तरफ से ऐसी बड़ी गलती हो चुकी है ना कि लिटरली आपको अप्रोच करने से ये डरते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको पकड़ना, एक हाथ पकड़ना की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जैसे आप साथ हो, हाथों में हाथ हो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। सो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि उनको लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बात का उनको कह सकते हैं कि डर है या फिर कुछ तो है जो सोशल फियर है उनको, सोशल फियर यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वजह से इनका मूवमेंट रुका हुआ है। आई केप द टेक्स्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि इनकी फ़ोन में आपकी टेक्स्ट या टेक्स्ट मैसेजेस आपने जो सेंड किया है वो नहीं है, डिलीटेड है, तो ऐसा नहीं है। ये बातें स्पेशली आपके स्पेशल मैसेजेस हैं ना, वो छुपा के रखते हैं। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। अब आपको मैं कहीं दी कि ये जो मैसेजेस हैं ना, आपकी तरह या आपको जिस तरह से प्यार किया था या आपके साथ जो प्यार के फल फील किए थे, वो किसी और के साथ फील कर ही नहीं पाते या कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं।
आप दोनों का प्यार, आप दोनों का रिश्ता, आपके दोनों फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक, डिफरेंट, और मतलब वो अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल पे। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। आपके लिए अट्रैक्शन, ऑब्सेशन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, और हो ना हो ये अब आपके पीछे भागेंगे, आपको अपने एक्शंस के थ्रू बताना चाहेंगे कि ये सॉरी फील करते हैं, ये बदल गए हैं, ये अभी कमिटेड रहना चाहते हैं, बहुत कुछ अलग ही फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में। तो ये सब तो है, तो एक्चुअली उनके दिल के मैसेजेस ये हैं आपके लिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, और जो UPI से पेमेंट हो रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग का बुकिंग कंफर्म कीजिए मेल करके। थैंक यू न्यूयर्स, थैंक यू न्यूयर्स, थैंक यू न्यूयर्स।